नवी कहानी, नवी स्क्रिप्ट, रोज नवी राजनीति। रोके ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब हुण बहुत सारे, मैं समझदा कि पंजाब का मुख्यमंत्री इन्ने वेला हो गया है, टोल प्लाजा पे जाके टोल प्लाजा नूं बंद कराउण वास्ते सारिया मीटिंगां छड्ड के, सारे आपदे कामकाज छड्ड के टोल प्लाजा बंद कराउण वास्ते गए। नवी कहानी, नवी स्क्रिप्ट, रोज नवी रच देते। रोके ही नहीं, रुकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। सो ये जरूरी हो गया कि अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही थोड़े तो राही पंजाब की जनता नूं पंजाब दे सरकार की मशहूरी वाली सरकार की असलियत पता लगी। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब हुण बहुत सारे, मैं समझदा कि पंजाब का मुख्यमंत्री इन्ने वेला हो गया है कि वो टोल प्लाजा पर जाके टोल प्लाजा नूं बंद कराउण वास्ते सारिया मीटिंगां छड्ड के, सारे आपदे कामकाज छड्ड के। ये दसवां मेरा ख्याल टोल प्लाजा बंद कराउण वास्ते गए है। तो उन्होंने ये भी कहा है भाई मेरा 460,000 रुपए का बोझ सीगा पंजाब के लोगों पर, इस करके मैं उत्थे पहुंचे। और मैं फिक्र है रोज पैसे की रिकवरी की गल करते हैं, कहते रंधावा साहब तो कहते कहने मैं फलाना पैसा रिकवरी करवाना है, ता जो पैसे की उन्होंने चिंता बड़ी है पंजाब दे दी कि पंजाब का सिंगल एक रुपया वेस्ट नहीं होना चाहिए। जबकि टोल प्लाजा की मनियाद खत्म हो गई सी, एक टोल प्लाजा ते जांदे तां गल समझ आउंदी सी कि मुख्यमंत्री साहब एक टोल प्लाजा नूं बंद करके सुनेहा देना चाहुंदे आ कि आ मैं टोल प्लाजा बंद करता। हालांकि बेशक उहदी मनियाद खत्म होण ते ही बंद कीता, मनियाद खत्म होण तों पहलां नहीं कीता, बेशक मनियाद खत्म तों होण ते ही कीता, लेकिन असीं इह समझदे सी मुख्यमंत्री चलो अफसर साहिबान ने मशहूरी कर दिता ते ड्रामा रच दिंदे आ। तुहानूं इस गल दा पता है कि मुख्यमंत्री की एक विजिट का ताम झाम का उत्थे बागे पुराने 50 लाख रुपया खर्चा आया होने, आया RTI आ जाएगी, इतों हैलीकॉप्टर उड्या, फिर उत्थे गया, फिर उत्थे शाम, जो सारा प्रोटोकॉल, कहने का मतलब भी 460,000 तो बचाता लेकिन 50 लाख रुपया उड़ाता, यानी कि 10 टोल प्लाजा 5 करोड़ रुपया फूकिया है। दैट मीनस तुम पंजाब का पैसा खराब कर रहे हो मान साहब, फिर थोड़े तो रिकवरी ये कौन करेगा? 5 करोड़ रुपया तो जो मैं असलियत दसूंगा पंजाब के लोगों तो फिर पता लगेगा। कांग्रेस ने टोल प्लाजे लाए सन, कांग्रेस ने लुट लिया, कांग्रेस ने एक्सटेंशन देतियां, कांग्रेस ने पैसे बना ले, आज मैं राहत देन लगे। तुहानू पता है पंजाब दे विच किन्ने टोल प्लाजा है? तकरीबन मैनू लगता टोटल 23 टोल प्लाजा है पहला पुराने, नवियां दी गल मैं बाद च दसदा। ते 23 चों मैं पंजाब की जनता को दसना चाहना, एक भी टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया। 5 साल की सरकार च नॉट इवन अ सिंगल टोल प्लाजा कांग्रेस पार्टी के राज च नहीं लगया। ए BJP अकाली दल की सरकार वेले, सुखबीर सिंह बादल साहब हुरां दी सरकार वेले ते BJP दे वेले ये पंजाब दे टोल प्लाजा च लगे। ये साढ़े समय बिल्कुल एक भी टोल प्लाजा कितने किसी सड़क ते नहीं लाया गया। सानू क्यों कह रहे हो? झूठ बोल रहे हो तुसीं? ये एग्रीमेंट्स जिहड़े होए एक वख-वख किस्म दे एग्रीमेंट्स होए, ते एग्रीमेंट भी बहुत माड़े हुए।
माड़े कहन दा इन द सेंस की कमजोर एग्रीमेंट जिरे विच प्राइवेट ठेकेदारां दा जिन्हां ने टोल प्लाजे बनाए उन्हां दा हक ज्यादा पूरिया गया, सरकार दे हक नूं किते ना किते नजरअंदाज, जिवें असी हमेशा थर्मल दे जिहड़े थर्मला वाले पीपीए होए एग्रीमेंट उहदी गल ते चर्चा करदे आ, कई वारी वाइट पेपर भी लैके आए हैं, और इहदे च की होया टैक्निकल की गल है, सानू जिहड़ी कहिंदे एक्सटेंशन देती, असी किसे नूं एक्सटेंशन नहीं दिती भाई साहब, कोई टोल प्लाजे की मनियाद एग्रीमेंट के मुताबिक वधा ही नहीं सकता ना वधाई गई है। फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन, 6 साल बाद रीकारपेटिंग होनी होंगी है सड़क की, यानी कि दुबारे पीसी पाते हैं जिदे ते बहुत ज्यादा खर्चा आता है, रीकारपेटिंग कहते हो, हर 6 साल बाद पूरी मेंटेनेंस होनी होती है, नहीं उह टुट जाए। टोल प्लाजा वालिया ने विच कोरोना का हवाला दे के ते किसान अंदोलन का हवाला दे के, क्योंकि साड़ी सरकार ये कहती सी रीकारपेटिंग करो, 6 साल मनियाद पूरी हो गई है थोड़ी, 6 साल बाद सड़क पर प्रीमिक्स पाओ, उन्होंने उस गल की एक्सटेंशन दिती भी ठीक है भाई, तुसी साल बाद मगरों पा लियो रीकारपेटिंग, क्योंकि कोरोना के विच सड़क की स्थिति भी ठीक रही, आवाजाही घटी, इस करके एक्सटेंशन दिती, ते जे एक्सटेंशन वो ना देंदे रीकारपेटिंग की, ना कि टोल प्लाजे की एक्सटेंशन, ये दोवें वक्रे वक्रे विषय है, और मनियाद नहीं बधाई भी तेनों 500 दिन देता तो तू होर टोल प्लाजा ला ला, रीकारपेटिंग की एक्सटेंशन देती भी कोई नहीं भाई अगले साल पा ली, और कारण की सीगा रीकारपेटिंग एक्सटेंशन देने का, और पिछे कारण यह सीगा कि जिहड़ा बैंक गरंटी होंगी है इन्हों की, कि जे रीकारपेटिंग नहीं करते तो असी बैंक गरंटी फोरफीट कर लेती है सरकार, बैंक गरंटियां भी बहुत थोड़ियां सन, रीकारपेटिंग से खर्चा ज्यादा आता सी, जे बैंक गरंटी असी फोरफीट कर लेंगे तो सरकार को टोल प्लाजा तो जिहड़े 4 पैसे आते सी वह भी बंद, ते प्लस सरकार का होर नुकसान हो जाना सी, क्योंकि उन्होंने रीकारपेटिंग करन तो इजाजत मिल जानी सी, ते उन्होंने कोर्ट इजाजत मिल जानी सी भी इन्होंने साडा कैंसल करता, तो कोर्ट च भी चले जाना सी, कोर्ट च साडा पक्ष कमजोर सी, क्योंकि एग्रीमेंट ऐसे होए हुए, इस करके केवल रीकारपेटिंग की एक्सटेंशन दी गई, होर किसी किस्म की मानसा एक्सटेंशन असी नहीं दिती, पंजाब की जनता नूं कृपा करके गमराह ना करो। फिर मैं एक गल पूछना चाहना है, जे जनाब असी भी एवें टपा दे, क्योंकि असी तो लाया ही नहीं टोल प्लाजा, अज 15 महीने की सरकार होगी थोड़ी, 15-16 महीने हो गए, तुहानू पता है भी इन्होंने एक्सटेंशन कोई गलत दिती भी है, तुसी कैंसल कर देंगे 15 महीने, यानी कि 4,60,000 रुपए का रोजाना, मेरा मतलब बागे पुराने वाला जो टोल प्लाजा से वो थोड़े राज भी लुटता रहा, तुसी उन्होंने इमीजिएटली कैंसल क्यों नहीं दिता, किता कारण की सी, तुसी क्या कि इन्होंने कोई लोकल लोगों पास बना के दिते होने दिंदे देने पैंदे, वो भी नहीं दिते, फिर तुसी उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, थोनू 1.5 साल का पता है भी लोकल एरिए दे लोगों इन्होंने पास बना के देने सी, वो पासिस इन्होंने दिते नहीं, तुसी उन्होंने कार्रवाई करनी सी, मेरे कहने का मतलब है कि केवल मूर्ख बनाने वास्ते ते फोकी वाहवा खट्टन वास्ते तुसी ये काम करते हो, मैं तो पहला भी कल कह चुका कि 900 करोड़ रुपए का थोड़ा बजट है,
2 करोड़ रुपया पहला तो तुसी एडवरटाइजमेंट ते लाने हो ते 50 लाख रुपया थोड़ी विजिट का पैंदा है। तेरा मतलब हुण 23 दे 23 टोल प्लाजा तुसी लॉन जाओगे इत्थे ही नहीं। थोनों अज बड़ा संगीन गल होर दसना चाहना है जनाब। मशहूरिया वाली सरकार एक टोल प्लाजा सीगा भाई, टोल प्लाजा की मनियाद 476 दिन लई होर वधाई। ये भगवंत मान जी की सरकार दे विच वधाई इन्होंने। टोल प्लाजा बंद क्यों करने पे? क्योंकि पहला ही क्योंकि इन्होंने वादा किया टोल प्लाजे बंद करांगे। 476 दिन वधाती ते 476 दिन जो वधाई इन्हां दी सरकार ने ते रौला पै गया, धरना लग गया। तो जो धरना लग गया तो मनियाद कैंसल करती ते चीफ इंजीनियर ते एसीज दी इनकुआरी बिठाती, लोगों ने कहा भी इनकुआरी बिठाती। वो कितने इनकुआरी की होया? तेरा मतलब तुसी ये गल कहने हो भी असी पैसे लेके साडे लोग मनियाद वधाई गए, साडे लोग पैसे लेके मनियाद वधाई गए, हालांकि वो रीकारपेटिंग की मनियाद सी। असी ना टोल लाए है ते ना उन्हां दी मनियाद नूं एक्सटेंशन दिती है। आए दिन तो फिर किन्ने पैसे लगे, किने यह मनियाद नूं मंजूरी दिती वधाउण दी जिहड़ी तुसी कैंसल करनी है? जनता नूं दसो भी उहदी इनकुआरी करके की होया। खबर लगी है यह हिंदुस्तान टाइम्स भी लगी है, मैं पढ़ी सी उस वेले मैनूं लभी नहीं, अज मैं पंजाबी दी अखबार की खबर मैनूं लभ गई है। अच्छा होर एक गल दसनी चाहना थानू, जे इन्ना ही थानू पंजाब की जनता नाल प्यार है और वाकई तुसी गल सही कर रहे हो, 5 किलोमीटर ते थोड़े घर तो इत्थे टोल प्लाजा लग्या हुआ है न्यू चंडीगढ़ नूं जांदे नूं, कराओ बंद। 5 किलोमीटर ते नवा लग्या हुआ है कुराली नूं जांदे नूं। ते हुण तुहानूं दस्सिया भी 3 टोल प्लाजे नवे लग गए है, एक तलवंडी भाई पिंड मिश्री वाले कोले है मेरा ख्याल, एक फिरोजपुर मलोट रोड ते लग रहा है, एक नवा लग्या डाखे कोले डाखा चौकी चौकी मान आ लुधियाणा तो फिरोजपुर नूं जाइए, एक अबोर गंगानगर ते। ये टोल प्लाजे नवे लग रहे, रोको, क्यों लग रहे हैं नवे टोल प्लाजे? जनता पे क्यों बोझ पाया जा रहा है? देखो जिस चीज की मनियाद खत्म हो जाती है तो तुसी उत्थे आपका चौपर लैके उड जाने हो तो रोज सानू कहने हो कि रिकवरी रिकवरी, तुसी कर लो इन्हां कंपनियों तो रिकवरी। तुसी नहीं मैनशन किया मैं इन्हां कंपनियों तो रिकवरी करनी है जिन्होंने पंजाब नूं लुटिया है, कर लो पड़ताल। एक बार तुसी बीजेपी ते अकाली दल की सरकार का नाम नहीं लिया जिन्होंने टोल प्लाजे लाए, असी लाया ही नहीं। असी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, इन्हों कांग्रेस तो डर है, इस करके कांग्रेस को रोजाना नवे तरीके नाल बदनाम किया जाता है। मैं परसों भी कहा सी कि बिजली का पीपीए का बहुत वड्डा मुद्दा सी पंजाब के अंदर, वाइट पेपर लेके आए अमन अरोड़ा जी ते उस वेले दे फाइनेंस मिनिस्टर जिहड़े ऑपोजिशन लीडर उस हुण दे फाइनेंस मिनिस्टर उस वेले दे ऑपोजिशन लीडर ते उन्होंने ये गल कही कि ये पीपीए कैंसल होने चाहिए है जिहड़े एग्रीमेंट्स होए ने थर्मल्स दे, तुसी बिजली तां लोकां नूं मुफ्त करती, धन्नवाद तुहाडा। लेकिन बिजली अज भी उन्हां महंगे रेटा ते लै रहे हो, अज 15 महीने हो गए, 16 महीने हो गए। तुसी अज पीपीए वो जिहड़े एग्रीमेंट तुसी बाहर छाती ठोक ठोक के कहने से अज कैंसल करो, तुसी कहने मैं थर्मल प्लांट लै लांगा, जिवें तुसी कहता मैं टोल प्लाजा बंद करता, जिहड़ी मनियाद खत्म हो गई करता, 10 करोड़ उत्ते खर्च करता, ते मेरा ख्याल तकरीबन तुसी 12.5 करोड़ रुपया खर्चोंगे जे 23 बंद करनी है, तो जो तुम आए बारी जाया करना
हाँ 12.5 करोड़ रुपया लगेगा जो 23 दे 23 टोल प्लाजे भगवंत मान जी बंद कर जाएंगे जो मनियाल खत्म होने फोकी मशहूरिया वाली सरकार करो अगर हिम्मत है तो पीपीए कैंसल करो बिजली दे जेड़े तुसी कहे सी ते करो रिकवरी उन्हां कंपनियां तो ते फाइंड आउट उन्हां कंपनियां ने किनू पैसे दिते जे तुसी कहने हो तो क्योंकि ये तुसी कहने हो 50 लाख की रिकवरी तो तुसी करन नू फिरदे हो 55 लाख की अंसारी 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 ते आ करोड़ां अरबां रुपए की रिकवरी नहीं करन नू फिरदे कर लो किने रोकिया इत्थे कोई रिकवरी की गल नहीं। सो मेरा कहना बस यही है कि ये जिहड़ा काम है ये केवल ते केवल फोकी पबलिसिटी फोकी मशहूरिया के वास्ते मान सरकार कर रही है। मैं अज फिर कह रहा जिन्ने पंजाब के बुनियादी मुद्दे हैं पंजाब की जनता को समझाना है। मैं इस करके अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा मैं यार हूँ बहुत हो गया 50 लाख रुपया जनाब एक हस्पताल से लग जाए ना 50 लाख दिया कि एंबूलेंस वैन जोन भाई दस्यो 50 लाख ना किन्ने हॉस्पिटल्स रेनोवेशन हो सकती है 5 करोड़ रुपया 10 टोल प्लाजिया बंद करने लाता जनता जानती है जे बिजली माफ हुई है तो जनता जानती है तो जे राशन कार्ड लोगों ने तुम कटे तो भी जनता जानती है कौन कर रहा तो कौन की नहीं कर रहा पब्लिक है सब जानती है लेकिन बोलती नहीं ये 10 करोड़ नाल कोई कॉलेज की रेनोवेशन होनी सी जेड़ा तुसी केवल मशहूरिया इन कि मशहूरिया करनी है। सो असी ना ये टोल प्लाजे लाए है ना साड़ी कोई मंशा सी तुसी वेखो साड़ी कितनी चंगी सरकार फिर बहुत कमियां रही अमरिंदर सिंह दे विच बहुत कमियां रही बहुत गलत काम हुए होने लेकिन कांग्रेस की सरकार दे विच एक भी टोल प्लाजा नवा नहीं लग्या अज मान साहब की सरकार च नवे टोल प्लाजे लग रहे। सो यही जानकारी देने वास्ते मैं अज थानू इतने सद्या सी क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस नू संबोधन करदिया बहुत उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डियां गंभीर गल्लां मान साहब होरां ने कहियां सी। सो ये जनता के सामने और थोड़े राही असी ये दसना चाहते टोल प्लाजा जो उदो लग्या पहला का होके नैशनल हाईवे का वो काम सीगा इस करके लग्या और ठीक दंगोल कोल्डी ने रौला पा के उत्थे सड़क वक्री बना के उन्हें चिकर दम नहीं लिया जिथों की होया पर लेकिन वो साड़ी सरकार का फिर टोल प्लाजा नहीं सीगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह नैशनल हाईवे का टोल प्लाजा सीगा जिहड़ा संगरूर हाईवे पर लग्या सी जिथे गोल्डी पहला बैठा सी दैट वॉज संगरूर जिहड़ा संगरूर संगरूर जीरी मनियाद खत्म हो चुकी सी जीरी मनियाद खत्म हो चुकी सी वो साड़ी सरकार वेले का टोल प्लाजा नहीं सीगा भाई साहब। मैं बेनती करनी चाहना कि वो साड़ी सरकार वेले का मैं तुहानू अज भी कह रहा भी साड़ी सरकार ने एक भी टोल प्लाजे नू मंजूरी नहीं दी। देखो गल ये है मैं कह रहा कि पंजाब स्टेट सरकार साड़ी सरकार ने आपकी PWD डिपार्टमेंट ने कोई भी टोल प्लाजा जेड़ा है आपके समय च नहीं लाया। हाँ 3 नवे उन्होंने बंद करा दें उन्होंने बंद करा सकते हैं मुख्यमंत्री का करोड़ क्यों नवे लोगों के बोझ पाया जा रहा है वो तीन है तलवंडी भाई लगा हुआ है पिंड मिश्री वाला के पास फिरोजपुर लगा है मलोट रोड फिरोजपुर तो मलोट रोड के लग रहा है हबोर तो गंगानगर रोड से लग रहे अरे 23 लगे है हूँ नैशनल है ज स्टेट है ये तो मैं थोनू कह रहा भी साड़ी सरकार वेले नहीं लग्या
हाँ जी ये मैनू जनाब ये नहीं पता भी ये स्टेट है कि नैशनल है, लेकिन लेकिन कोई भी टोल प्लाजा लगन तो अज मान साहब ने कहा भी सर मैं पंजाब की जनता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पहन देंगे, फिर इन्हों बंद करो। जे नैशनल भी ला रही है, जे नैशनल भी ला रही है सो ही शुड राइट डाउन टू नैशनल। वैसे तो टोल प्लाजा अमेरिका च भी लगे है, वैसे तो टोल प्लाजा कनेडा च भी लगे है। ये तो मान सरकार ने कहा कि टोल प्लाजा इन्होंने पैसे ले लेके एक्सटेंशन देंदे रहे, इस करके मैं बंद करते। हालांकि उन्होंने मनियाद खत्म हो गई, 15 महीने पहला बंद करते तो फिर गल सी। जी देखो अज भी मैं कह रहा, अज भी मैं कह रहा कि अलायंस इन्हों का तय हो गया है, अनाउंसमेंट होनी बाकी है। कल सुनील कुमार जाखड़ जी का यह बयान से कि ये उत्ते हाईकमांड ने विचार करना है। अज उन्होंने ये गल कहती होनी है क्योंकि हो सकता है नैगोशिएट ना हो रहा हो सकता है बीजेपी वाले हजे विधानसभा की गल कर रहे, पार्लीमेंट वाली गल हो चुकी है क्योंकि अकाली दल मेरा ख्याल सुनिया सीगा भी वध सीटा मंगता है लेकिन विधानसभा च, लेकिन बीजेपी नूं इस गल ते सहमति नहीं है। वह कहते भी अद्ध अद्ध की लड़ाई लड़ांगे विधानसभा दे विच भी, पर 100% इन्हां दा समझौता ऑलरेडी है। 9 मास का रिश्ता थोड़े सामने राजनाथ सिंह जी ने आके इत्थे बादल साहब दे जिहड़ियां गल्लां कीतियां और उन्होंने ये भी कहा कि 9 मास का इन्हां दा साडा रिश्ता रहा है। और जिस प्रकार का दिल्ली के अंदर भी हुण भी तुसीं देखिया होना है मैडम हरसिमरत कौर जी जिस मकान दे विच रहिंदे वो जिहड़ा बैंगलोर है वो भी 8 कैटागरी है, यानी कि कैबिनेट रैंक का बैंगलोर एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट को ले है, अदरवाइज तो राहुल गांधी तो भी कम घर छुड़ा लिया गया। सो तुसी देखा होना है कि इन्होंने राष्ट्रपति की वोट भी जो पैन का मौका आया तो ये इन्होंने NDA के हक च ही खड़े हुए। सो ऑलमोस्ट तय है, लेकिन रस्मी ऐलान कई मजबूरियां हैं, मजबूरियां ये ने पंजाब का किसानी अंदोलन, पंजाब का किसान वेख रहा है कि इन्होंने अस्तीफा दिता सी। पंजाब के लोग तो पहले ही कहते रले है जान बुझ के अस्तीफा दिता है, बंदी सिखा का मामला हजे उत्थे दा उत्थे खड़ा है, जिहड़ी ये मंग करते जिहड़े बादल साहब ने उत्थे गीत भी गा के आए सी जंतर मंत्र ते भी इन्हां मुद्दों का भी की करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी दलजीत चीमा ते अकाल तख्त साढ़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने कुछ होर कहा है, ये सारिया चीज़ा है गया। लेकिन अंदर अंदर जी आपस में जोड़ा तालमेल है वो मुकम्मल इन्हों का हो चुके है। हाँ जी तुहानू उहदे नौकरियां दा दस्ता दिता, मैनू गला दिन मैं CM साहब नू आदरणीय सरकारयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां नू बेनती करना चाहुंदा है कि 29,000 जिहड़ियां नौकरियां तुसी कहिंदे हो दित्तियां, तुसी ओह दस दिओ भी उहनां दे टेस्ट तुसी आपदी सरकार च लए, उहनां दी एडवरटाइजमेंट तुसी आपदी सरकार च कीती, टेस्ट तुसी ले प्रक्रिया तुसी कोई कीती के केवल तुसी सर्टिफिकेट दित्ता। ये नौकरियां जिहड़ियां 29,000 आदरणीय मानयोग मुख्यमंत्री साहब गिना रहे हैं, मैं पंजाब की जनता को कहना चाहना राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट कांग्रेस पार्टी ने दिता है, तुसी पाओ ते चेक करो। एरी एडवरटाइजमेंट भी साढ़े समय हुई, एरी जिहड़ी भर्ती की प्रक्रिया टेस्ट ज सब कुछ साढ़े समय होया, लेकिन फाइनल जिहड़ी लिस्ट है वो आके आम आदमी पार्टी ने छाप दी। जो सारी प्रक्रिया क्योंकि कोड लग गया सी उस समय चन्नी साहब की सरकार के समय होया, जो असी मुआवजा देन गए सी जिहड़ा मानसा मुआवजा देना सी गुलाबी सुंडी का, पैसे DC के खाते वो डेट चेक कर लो कि DC साहब के खाते पहला साड़ी सरकार वाले असी पैसे पाते सी, लेकिन असी उन्होंने मौके दे कोड ऑफ कंडक्ट लगन के कारण असी चेक दे नहीं सके। जिहड़ा इन्होंने पहला प्रोग्राम किया सी हुण नहीं दिता कोई चेक मुआवजे का, जिहड़े कहिंदे सी बिना गिरदावरी तो चेक देना करांगे।
ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਜੀ खास करके उन्होंने लगता है कि लड़ाई साड़ी इन्होंने नाल है बेसिकली जो मैं कहता कि जेड़ा टोल प्लाजा हम बागे पुराने बंद करके आए ला लो शर्त इस गल से जी मर्जी जि जिस जो करना भगवंत सिंह मान जी आमने सामने मुख्यमंत्री साहब ना गल कर लेंगे जेड़े टोल प्लाजे बंद किए हैं जनाब जी वो बीजेपी अकाली दल की सरकार के टोल प्लाजे लगे है असी असी हुण अख च रड़कदे अख च रड़क ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀਰੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ जुर्माने भी पाए एक्सटेंशन दो क्योंकि करोना काल आ गया साढ़े को पैसे नहीं है अदरवाइज जेड़ा पहला एग्रीमेंट है जिन्हें दिन का उसे कोई एक्सटेंशन का मामला ही नहीं है दिखा दें अगर असी ओरिजिनल दिनों री असी एक्सटेंशन दिती हो सानू दिखा दें रीकारपेटिंग की एक्सटेंशन असी दिती होगी इस करके दिती रीकारपेटिंग की क्योंकि जी जे एग्रीमेंट से बड़े कमजोर एग्रीमेंट से वह गवर्नमेंट के पक्षी एग्रीमेंट नहीं सन दूजा जिहड़ी उहदी बैंक गरंटी सी उह फोरफीट करनी सी उह बड़ी थोड़ी सी सानू रीकारपेटिंग दे मामले च अगर बैंक गरंटी फोरफीट करदे सां तां रीकारपेटिंग फिर सरकार नू करनी पैणी सी उह ज़्यादा खर्चा हुंदा सी इस करके एक्सटेंशन दे के बंद करदे सां तां हाई कोर्ट ने कह देना सी सो रीकारपेटिंग दी एक्सटेंशन है अदरवाइज देर इज नो एक्सटेंशन बाय अस मैं नहीं नहीं करांगे कोई टारगेट कितने हो रहा पैसा एक मिनट गल्ला बात ना तो नहीं होनी एक मेरी मेरी बेनती है उन्होंने हुण तां मनियाद खत्म होगी नहीं वो मनियाद खत्म होगी पांच साल बाद रीकारपेटिंग जी होने वाली है जो हुण होएगी उसे बजट प्रोविजन चाहिए है जे 2 करोड़ की सड़क बनानी हो भी बजट प्रोविजन चाहिए है रखा जाता कि 4 करोड़ रुपया फलां तो फलां सड़क दे लगेगा चंद पुराना तो 10 टोल बंद हो गए ने यू नीड एटलीस्ट मैनू लगता मैनू अप्रोक्सीमेटली अंदाजन घट्टो घट 100-200 करोड़ रुपए का चाहिए थोनू जे तुसी बाघा पुराना तो लैके गांव विड़िंग पिंड सनेरे पिंड जाके टोल लग्या हुआ हुण भी लगे जे उत्थों तक बनानी है तो दैट मीनस मेरे ख्याल 60-70 किलोमीटर 1 किलोमीटर का कितना खर्चा आता उस हिसाब से समझ लो भाई जी मैं साहब जी मेरी बेनती है कि अगर एदा कमीशन चलता सी तो मैं कहना रिकवरी कर लो ना टोल प्लाजा दे तो ये भी कट लो दूजा 476 दिन थोड़े च होई जो रौला लग्या आ चार मैं ही तो पूछना है कि 476 दिन तुसी एक्सटेंशन देती तुसी अखबारों च खबर लगियां धरने मजारे होए फिर एक्सटेंशन कैंसिल हो गई तुसी एससी दे चीफ दी 1.5 साल हो गया इनकुआरी लगी और इनकुआरी का की होया ते सानू दस्या जावे भी थोड़े आले वादे च किने पैसे ले सी जे साडे आले अद्धे इहदे च भी अद्धे अद्धे दिन होए होणे आ फिर